दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, चिकन करी जो हम हमेशा बनाना चाहते हैं बट कभी बन नहीं पाती है यार अच्छी। बट मैंने बहुत 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 ट्राई करके बनाई है। दिस इज सो सिंपल इन रेसिपी, आप ज़रूर बनाएं और खाएं। चलो शुरू करते हैं। इस डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहली चीज़ है चिकन, जो कि मैंने लिया है बोन थाई, टू अनियन, थ्री गार्लिक क्लोव्स, थ्री ग्रीन चिली एंड अ जिंजर एंड टू टमेटोज। और मसालों में कुछ खड़े मसाले, कुछ पिसे हुए मसाले। पिसे हुए मसालों में नमक, चिली पाउडर, दिस इज कश्मीरी चिली पाउडर नॉट एक्चुअल, दिस इज टर्मरिक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला मिक्स ऑल टुगेदर। एंड द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट इन दिस इज कसूरी मेथी। गाइस, चिकन बनाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि कोई भी गरम मसाला, कोई भी खड़ा मसाला तेल में ना डालें। आपको क्या करना है, पैन में तेल डालो, ठंडा तेल, और तब सारे खड़े मसाले डाल दो, बिकॉज़ जो उसका एसेंस है वो तेल में मिल जाएगा, जलेगा नहीं। अब इन्हें थोड़ी देर तक रहने दो तेल में, उसके बाद हम तेल को गरम करेंगे। ओके, हमने अब पैन में तेल गरम करके सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, अब इनका एसेंस रिलीज हो चुका है। अब सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, जो कि सभी करते हैं, अनियन, प्याज, यार ये अनियन ना भूननी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और इसको हाई फ्लेम पे भूनना पड़ेगा। तो सबसे आसान इज तरीका कि आप इसे थोड़ी देर भूनो हाई फ्लेम पे। अनियन भूनने के लिए आपको इसको कम से कम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे चलाना पड़ेगा, और यार पता तो चल ही जाता है जब भुननी स्टार्ट होती है, तो इट्स बेटर टू वेट। तो ज़्यादा इसको ढक के बनाना है, क्योंकि एफिशिएंट कुकिंग इज़ क्लोज कुकिंग। अब देखो ये कैरमलाइज होने लगी हैं अनियन, बट अभी हाफ स्टेज, दिस इज हाफ स्टेज, थोड़ा और। अब ऐड करते हैं गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली। अब गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली को थोड़ा टाइम और देते हैं, लेट्स कवर इट। यार बीच बीच में चेक करते रहो। अरोमा इज वेरी गुड, बट अभी हुआ नहीं है दोस्त। अब इस स्टेज पे एड योर टोमेटोज एंड नॉट जस्ट टोमेटोज, जस्ट एड द सॉल्ट। ऑलवेज रिमेंबर टू एड सॉल्ट वंस यू एड टोमेटोज। नाउ कवर इट अगेन। यार बीच बीच में चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, टमाटर गले के नहीं, अभी तो नहीं। अब देखते हैं यार, अब देखो टमाटर हमारे ना थोड़े गल चुके हैं, अभी स्टेज में थोड़े स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो लेट्स ऐड हल्दी फर्स्ट, कश्मीरी मिर्च, दैट्स इट, मिक्स इट वेल। एक बार चेक कर लेते हैं, ये सारी कुकिंग हाई फ्लेम पे होगी यार, लो फ्लेम मत करना, और बीच बीच में चेक करते रहना। तेल छूट गया साइड में, एड मोर स्पाइसेस, दिस इज जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला एंड मिक्स इट एंड एड सम वाटर, ताकि ये मसाले जले ना, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं।
नाउ कवर इट यार, क्योंकि हम हाई फ्लेम पे हैं तो इसको ना बीच बीच में चेक करते रहो और थोड़ा स्टिर करते रहो, अदरवाइज ये जल जाएगा। एंड स्मेल द अरोमा। अभी ठीक है, थोड़ा और कुकिंग करेंगे। अब चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अब इसको थोड़ा लो फ्लेम करना है। क्यों? क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पकाते रहेंगे तो भाई मसाले जल जाएंगे। अब ये ग्रेवी पक चुकी है। नाउ लेट्स ऐड द चिकन। चिकन ऐड भी लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको स्टिर करके एंड कवर इट एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। चलो यार 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं एक बार। चिकन थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा ताकि जल ना जाए नीचे से। लुक्स बेटर। यार ये ना बहुत आसान रेसिपी है, बट आपको क्या चाहिए, थोड़ा पेशेंस, जल्दबाजी मत करना। और ऐसा कोई हिडन इंग्रेडिएंट नहीं होता है कोई भी किसी भी रेसिपी में, जो लोग कहते हैं उनकी हिडन रेसिपी है, उनके हिडन मसाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बीच बीच में चेक करते रहो ताकि जले ना नीचे से, और जब जब जले थोड़ा हिला दो, बट पानी मत डालना स्टेज में अभी। अब चिकन ने पानी छोड़ दिया है ऐसा लग रहा है दोस्तों, बट ये स्लो कुकिंग शुरू हुई है अभी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट लूज पेशेंस। बस थोड़ा बीच में चेक करके हिलाते रहो और कुछ नहीं, ताकि नीचे जले ना। अब चेक कर लेते हैं एक बार और दोस्त। इट्स ऑलमोस्ट डन, वो आपको देख के पता चल ही जाता है, अदरवाइज स्मेल इट। अब इस स्टेज पे सबसे जो हमने इंग्रेडिएंट बचा के रखा था अपना, विच इज कसूरी मेथी, एड इट। And stir it. Look at the texture. Yeah, this is done. तो एक बार कट करके देख लो. Yes, it's done. अब last step, which is garnish with the coriander. और यार मैंने ना बहुत बार देखा है कि ना चिकन बनाने के बाद जब खाते हैं ना उसमें फ्लेवर नहीं आता है। फ्लेवर क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप बस बनाते हो और खा जाते हो। नहीं, थोड़ी देर इसको गैस ऑफ करके लेट इट बी इन स्टीम एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स, उसके बाद ही सर्व करना, फिर देखो फ्लेवर आता है। चलो यार देख लो अब, एंड रेडी टू सर्व। और यार ये रोगन जोगन जो होते हैं ना वीडियो में कि रोगन बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ सिंपल चिकन ग्रेवी जो कि आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी और टेस्टी होगी खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत आसान लगी होगी और सिंपल लगी होगी। तो आई रेकमेंड इसको बनाएं, खाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।